आई कार्ड भी दिखा रही हूँ तब भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी वाले जो प्रशासन वाले कुछ इस तरह से बदतमीजी पे तुल गए हैं कि इन्हें डर है कि सारे स्टूडेंट मिलकर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट न कर दे। ये यूनिवर्सिटी लग रही है आपको? ये बताओ, ये यूनिवर्सिटी में इतनी पुलिस क्यों आ जाती है? हर 15 दिन बहुत ज्यादा बोल रहे हो भाई, 2 दिन 3 दिन में। कोदरा कांड पे एक मूवी है, उसकी स्क्रीनिंग थी 6 बजे, उसके लिए जो है अगर मान लो स्क्रीनिंग हो रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? द कश्मीर फाइल जब रिलीज हुई तो किसी को दिक्कत हुई? आपने जो जो कर सकते थे आपने वो किया, लेकिन 6 बजे MCRC में वो फिल्म स्क्रीनिंग होगी और आप उसको कवर कर लीजिएगा आके। प्रधानमंत्री मोदी वही चीजें बैन करते हैं जिनसे उनको डर लगता है। ये जो गोधरा कांड है ये मुसलमानों का दुख दिखा रहा है, तो इसको क्यों छुपा रहे हो आप? इस सरकार ने पूरे विश्वविद्यालय को छावनी बना दिया। अभी मैं मौजूद हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया। आप देख सकते हैं तमाम स्टूडेंट जो हैं अंदर मौजूद है, और यहाँ पर जो मेन गेट है 7 नंबर गेट है, ये आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ 7 नंबर गेट, ये बंद कर दिया गया है। तमाम टीवी मीडिया जो नेशनल मीडिया है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन आप सामने देखिए कि पूरी जो पुलिस टुकड़ी है वो यहाँ पर है। BSFI के जो जवान है वो यहाँ पे हैं, और तमाम स्टूडेंट जो अंदर हैं उनको इस तरीके से रोका जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे आतंकवादी घुस रहे हो, इस तरीके की फोर्स यहाँ पर मौजूद है। पूरी मौजूद क्यों है? क्योंकि एक BBC डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसको बैन कर दिया गया भारत में, उसी के चलते यहाँ पर ये तमाम मीडिया आप देख सकते हैं नेशनल मीडिया यहाँ पर है, जो कि किस तरीके से खड़ा हुआ है, लेकिन खबरें दिखाएगा नहीं ये वैसी वाली। लेकिन आप सामने देखिए ये पूरी पुलिस फोर्स मौजूद है, गाड़ियां खड़ी हुई है, ड्रोन जो है यहाँ पर ड्रोन भी छोड़ा गया था और ड्रोन कैमरा भी यहाँ पर लाया गया है, और तमाम टीवी मीडिया यहाँ पर है। छात्र हैं अंदर, आपको मैं अगर दृश्य दिखाऊं तो अंदर छात्रों को इस तरीके से कैद किया गया है जैसे कि अंदर जेल हो, और जेल के अंदर कैदियों को बंद कर दिया जाता है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट है, क्या यहाँ पर क्या कुछ हुआ है बता सकती हैं आप? क्या कुछ हुआ है यहाँ पे बता सकती हैं? मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, फिर लंच ब्रेक के लिए मैं नमाज पढ़ने के लिए बाहर निकली, फिर करीब 1 घंटे बाद जब मैं आई तो देखी कि एंट्री मना हो गया है। तो इससे प्रॉब्लम हो रही है, जो भी अंदर के स्टूडेंट हैं, जो इंटरनल स्टूडेंट हैं, उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आप स्टूडेंट हैं यहाँ पर? हाँ, स्टूडेंट फर्स्ट ईयर BEd फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? नीता। नीता, आप स्टूडेंट हैं यहाँ की? हाँ, MSc वायरोलॉजी। तो अभी ये क्या कुछ हुआ है, क्यों यहाँ पर फोर्स छोड़ दी गई है, क्यों आपको अंदर इस तरीके से कैद कर दिया गया है? हम तो लंच करने आए थे बाहर। हाँ, लंच करने गए थे। क्लासेस चल रही थी उसके बाद यहाँ पर ये क्यों बंद कर दिया गया, कुछ बता सकते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं पता है कि क्यों बंद किया गया। इवन मैं आई कार्ड भी दिखा रही हूँ तब भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, वो बोला जा रहा है कि एंट्री नहीं मिलेगी। जबकि आप लोग पढ़ने वाले छात्र हैं और इस तरीके का यहाँ पर माहौल किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब प्रोटेस्ट का एक मुद्दा बना रहे हैं कि लोग मतलब आक्रोशित होकर स्टूडेंट खुद एक प्रोटेस्ट करने के लिए वो मजबूर हो जाए। हाँ, ऐसा किया। अंदर जो अंदर है वो अंदर रह गया, जो बाहर है वो बाहर रह गया, और जो लाइब्रेरी में मेरी सामान सब छुटी हुई है मतलब वो सामान लाइब्रेरी में ही रह गया है। अच्छा, तो क्या कुछ बताया जा रहा है यहाँ पर? डॉक्यूमेंट्री कुछ दिखाई जानी थी, ऐसा कुछ बोला जा रहा है? वो सब हाँ, वो सब जो दिखाई जानी थी उन सब से मुझे कोई अपना वास्ता नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने का वास्ता है, लेकिन जो इंटरनल स्टूडेंट है उसे अंदर जाने दिया जाना चाहिए, बस ये मेरा कहने का मतलब। हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या नाम है आपका? चलिए, नाम नहीं बताइए, किस डिपार्टमेंट से हो और आप भी स्टूडेंट है क्या? जी, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। ओके, तो आप लोग मतलब बाहर ही थे या फिर क्लास लेने जा रहे थे अंदर? नहीं, हम बाहर थे, एक्चुअली हम अंदर थे, फिर हमें बाहर कुछ काम था तो हम बाहर चले गए लंच वगैरह करने, फिर वापस आए तो नहीं आने दिया। लंच के बाद ये लॉक कर दिया? तो ऐसा क्यों किया गया कि ये लॉक कर दिया गया है पूरा, कुछ बता सकते वजह क्या है? मुझे वजह नहीं पता, मैं तो खुद पढ़ रही थी लाइब्रेरी में बैठकर। मतलब कल मैंने देखा था JNU में बहुत भारी प्रोटेस्ट हो रही है ये डॉक्यूमेंट्री वगैरह के लिए, तो मतलब ये यूनिवर्सिटी वाले जो प्रशासन वाले कुछ इस तरह से बदतमीजी पे तुल गए हैं कि इन्हें डर है कि सारे स्टूडेंट मिलकर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट ना कर दे, तो ये खुद ऐसा काम कर रहे हैं कि सारे स्टूडेंट मिलकर खुद प्रोटेस्ट कर दे, ये आक्रोशित कर रहे हैं। ये छात्रों से क्यों इतना डर लग रहा है, प्रशासन को छात्रों से डर क्यों लग रहा है? छात्र तो पढ़ने आते हैं, पढ़ाई करने आते हैं। ये डर सिर्फ दिखावा का है कि मतलब एक टीम लाकर खड़ा कर देते हैं, एक्चुअल में बात तो ये है कि छात्रों को परेशान करना है बस। बाहर खड़े हैं जो इंटरनल स्टूडेंट, वो बाहर खड़े हैं, उसे जाने भी नहीं दिया जा रहा। तो ये जो इस तरीके का आप माहौल बना दिया गया है, प्रशासन की नाकामी है या फिर प्रशासन वाकई में गलत कर रहा है, ऐसा मानते हैं आप? हाँ, मैं मानती हूँ कि ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट है उन्हें जाने दिया जाना चाहिए। माहौल मतलब बहुत ही माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अंदर में पढ़ने वाले बच्चे हैं जो लाइब्रेरी में सामान छोड़ कर आए हैं वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो अंदर नहीं।
हाँ बस जाने ये जो डॉक्यूमेंट्री का आपको मालूम है कि डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने एक जारी की है? ये सब चीज़ मालूम नहीं है, सब चीज़ के बारे में मैं नॉलेज भी नहीं रखना चाहती। तो अभी ये हमारे साथ स्टूडेंट थी तो जो बता रही थी कुछ डॉक्यूमेंट्री का, कुछ बता सकती है कि बीबीसी की कुछ डॉक्यूमेंट्री दिखाई जानी थी? मुझे नहीं पता, मैं तो पढ़ रही थी क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, मेरे टेस्ट वगैरह चल रहे हैं और मेरा कल भी मतलब कल तो 26 जनवरी है, परसों मेरा टेस्ट है। ओके, तो यहाँ छात्रों के टेस्ट थे, एग्जाम्स थे, होने थे, कल तो 26 जनवरी मनाई जानी है। आप देखिए 26 जनवरी से पहले का नज़ारा आप जामिया के सामने देख सकते हैं। तमाम फोर्सेस छोड़ दी गई हैं, पुलिस टुकड़ी छोड़ दी गई है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं पुलिस की कि किसी भी तरीके का अगर कुछ यहाँ पर किया जाता है तो तमाम गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई हैं और छात्रों को इस तरीके से बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया। आप देख सकते हैं अंदर जो अंदर छात्र थे वो अंदर ही रह गए, जो बाहर है वो बाहर की तरफ ही रह गए हैं। स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है क्योंकि बता रहे हैं छात्र कि इनके एग्ज़ाम होने थे। मैं अभी यहीं पर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर सड़कों पर भीड़ है, तमाम टीवी मीडिया खड़ा हुआ है और यहाँ पर आप सामने देखिए तो मैं दिखा दूँ आपको ये गाड़ी, जो पुलिस की एक गाड़ी जिसमें किसी भी तरीके की यहाँ पर अगर कुछ प्रतिक्रिया होती है तो उसके लिए यहाँ पर गाड़ी तक छोड़ दी गई है। आगे भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं दो तीन और सामने इस तरीके की गाड़ी भी ला दी गई है। पूरी पुलिस फोर्स है और यहाँ पर सारे जवान भी मौजूद हैं। इस तरीके का माहौल छात्रों को कहाँ ले जा सकता है? आप देखिए कि छात्रों के साथ आखिर क्या किया जा रहा है। पढ़ने वाले छात्र हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तमाम छात्रों को अंदर कैद कर दिया गया जैसे उन्होंने कोई घटना यहाँ पर कर दी हो, इस तरीके से उनको दिखाया जा रहा है, कैदी बना दिया गया है अंदर। छात्र लगातार वहाँ से अपनी वीडियो जारी कर रहे हैं और जो भी कुछ हो रहा है वहाँ का एक एक का मैं आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ। कुछ छात्र है, क्या नाम है आपका? नाम इलियास हुसैन अंसारी। पढ़ते हैं आप यहाँ? हाँ, मैं जामिया के एलएलएम का स्टूडेंट हूँ। एलएलएम के स्टूडेंट है आप, तो मतलब लॉ करने वाले हैं। तो ये तमाम जो कोर्स छोड़ दी गई है, क्यों छोड़ दी गई है? नहीं, आजकल दो साल से तो जामिया का हालत ऐसा बन रहा है, अगर कुछ नहीं है तो ऐसे पुलिस वुलिस आर्मी सब आ जाते हैं। तो फ्रीडम के सामने ये लगातार इस तरीके की फोर्स क्यों छोड़ी जाती है? छात्र है, यूनिवर्सिटी है, पढ़ने वाले स्टूडेंट है, क्यों ऐसे छोड़ दिया जाता है? फ्रीडम नहीं मिल रहा स्टूडेंट को पढ़ने का, कोई माहौल है कि आप लोग ही देखिए, अगर ऐसे केओस पैदा करते हैं हर वक्त थोड़ी ना पढ़ने के कोई ये होते है क्या? तो इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी आप लोग बाहर हैं, जो अंदर है वो अंदर ही रह गया है, तो ये लॉक क्यों कर दिया है? दे आर नॉट अलाउिंग टू एंटर एज वेल एज नॉट अलाउिंग टू एग्जिट, सो इट इज नॉट फेयर एंड नॉट गुड। 26 जनवरी है, तमाम लोग 26 जनवरी मनाएंगे लेकिन यहाँ का माहौल कुछ और ही बयां कर रहा है। हाँ, वो नहीं होना चाहिए, 26 जनवरी हम लोगों का मनाया जाना चाहिए। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की बात हो रही है मैंने जहाँ तक सुना है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री तो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री शो क्या है, वो पब्लिश हो, उसमें क्या बोलना चाहेंगे कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो आई है भारत में बैन कर दी गई है? नो कॉमेंट, नो कॉमेंट। इफ देयर इज एनी सिक्योरिटी इशू इट शुड बी बैन, इफ देयर इज इंटरनल सिक्योरिटी इशू। क्या नाम है? फरहान अहमद खान। फरहान अहमद जी, आप भी पढ़ते हैं? हाँ, एलएलएम फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ जामिया के। हाँ, तो ये इस तरीके का माहौल जो बना दिया है उससे क्या लगता है कि ये क्यों बनाया जा रहा है? ये जामिया एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पांसिबल है फॉर दी डेट एक्ट और इस तरह के कंटिन्यूस होता रहा है, इससे पहले भी दो तीन महीना पहले हुआ था, यहाँ पर 144 इम्पोज कर दिया गया था। स्टूडेंट बता रहे हैं कल जेएनयू में बहुत जो है तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ था इसी चीजों को लेकर के बीबीसी हो सकता है स्टूडेंट फेडरेटी की वजह से एक बॉन्डिंग होती है एक यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी के, ये हो सकता है। आप बहुत बोलना चाह रहे हैं, क्या हुआ है? स्टूडेंट है जी, मैं स्टूडेंट हूँ जामिया का। कौन सी ईयर में है जी? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में है, पढ़ाई पर असर पड़ रहा है क्या ये सब माहौल जी? बहुत असर पड़ रहा है, हमारे परसों से एग्जाम है, आज लाइब्रेरी वगैरह भी बंद कर दिया, फिलहाल हमारे एग्जाम सबका चल रहा है और आज लाइब्रेरी वगैरह बंद कर दिया और ऐसा मतलब चारों तरफ से जामिया को बंद कर दिया, वापस जाना पड़ रहा है। आप ये बात बताइए, लग रहा है यूनिवर्सिटी है या ये यूनिवर्सिटी लग रही है आपको? ये बताओ, ये यूनिवर्सिटी में इतनी पुलिस क्यों आ जाती है? हर दो 15 दिन बहुत ज्यादा बोल रहे हो भाई, दो दिन तीन दिन में हम आते हैं नॉर्मल पुलिस आ जाती है, पता नहीं क्या होता है, हर दो दिन चार दिन में पुलिस तो आ गई है, चलिए ठीक है, टुकड़ी भी आ गई है, फोर्स भी छोड़ दी है, लेकिन तमाम टीवी मीडिया भी, तमाम टीवी मीडिया को चाहिए मसाला, मसाला यहाँ पे मिलता है उनको, मिलता है दिखाने के लिए, खबर मिलती है उनको, इसलिए दौड़े दौड़े आ जाते हैं खबर ढूंढने के लिए, लेकिन कोई वजह को ढूंढने के लिए नहीं आते कि वजह क्या है। वजह हुई है कि टीवी मीडिया, वजह यही हुई है कि टीवी स्क्रीनिंग हो रही थी, एक वो है गोधरा कांड्स पे एक मूवी है, उसकी स्क्रीनिंग थी 6 बजे,
उसके लिए जो है अगर मान लो स्क्रीनिंग हो रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? द कश्मीर फाइल जब रिलीज हुई तो किसी को दिक्कत हुई? वो तो बहुत प्रमोट हुई, गवर्नमेंट ने पैसा दिया, गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री कर दिया। अब जब उनको पता है कि एक चीज़ है जो हम जो जिससे हमारी इमेज खराब हो सकती है, उसको आपने पूरा जोर लगा दिया बंद करने के लिए, और आपने जो जो कर सकते थे आपने वो किया, लेकिन 6 बजे MCRC में वो फिल्म स्क्रीनिंग होगी और आप उसको कवर कर लीजिएगा आके। 6 बजे होगी, 6 बजे होगी, तमाम टीवी मीडिया और फोर्स खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। चाहे फोर्स आ जाए, खुद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आ जाए, लेकिन MCRC तो भारत में बैन ही कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी वही चीजें बैन करते हैं जिनसे उनको डर लगता है। प्रधानमंत्री मोदी वोट बैंक है उनको, क्या उनको डर है? उनको अपनी इमेज खराब होने का। क्लीन चिट दे दी गई है, क्लीन चिट दे दी। क्लीन चिट तो बहुत सारी चीजों में दी जाती है मैडम। क्लीन चिट तो भी राम रहीम को जेल की सजा दी हुई है, वो भी पैरोल में बाहर आ गया, भाषण दे रहा है दाढ़ी काली करके। तो सुप्रीम कोर्ट से क्या होता है? हाँ, वैसे ही बागेश्वर धाम बाबा चल रहे हैं। बागेश्वर धाम बाबा देखो, मैं उनको नहीं जानता, उनके बारे में कोई बात नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं पंजाब से हूँ, पंजाब के एक सिंगर थे इंद्रजीत निक्कू, फ्लॉप चल रहे थे बहुत ज्यादा, उनके पास गए, पता नहीं कुछ हुआ उनके बाद, देखते कि सपोर्ट में आए लोग, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा जिस बारे में मुझे पता नहीं है। जिस बारे में पता है उस चीज में बताऊंगा। पढ़ते हैं? हाँ पढ़ता हूँ, जामिया में BA सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आप बोलोगे तो ID कार्ड दिखा दूंगा मैं। नहीं नहीं, मुझे ID कार्ड की जरूरत नहीं। अगर आप स्टूडेंट है तो इस तरीके का माहौल से कितनी परेशानी है। ये सब बात अगर आराम से बात करने वाली बात हो तो आराम से बात की जा सकती है। अगर फिल्म स्क्रीनिंग हो रही है, आप मुझे ये बताओ, आप पढ़े लिखे हो, फिल्म स्क्रीनिंग में दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है मुझे ये बताओ। एक मूवी है जिसको दिखाया जाना है, एक तरफ पठान लग रही है तमाम थिएटर, एक मूवी है दिखाई जा रही है। उन्होंने सिंपल ये कहा कि हमारी तरफ से एक इनविटेशन है आपको, आप आइए देखिए। किसी को देखने आना होगा आएगा, नहीं देखना होगा नहीं आएगा, बात खत्म हो गई। स्क्रीनिंग करने वाले कौन लोग? स्क्रीनिंग वाले अब मेरे ख्याल से कोई ऑर्गेनाइजेशन वाले होंगे, SFI, NSU, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जामिया में, उन्होंने मिलके करा होगा ऑर्गेनाइज। तो दिखाने में क्या दिक्कत है? अगर कोई देख रहा है उसके बाद क्या पता लोगों का ओपिनियन बदल जाए। BBC की एक फाइल है और उसके लिए इतनी फोर्स छोड़ी। आप ये समझिए, आप ये डर है बौखला गए हैं, डरे नहीं है बौखला गए, आप ये समझिए कि कुछ गलत है, तभी तो रोका जा रहा है। अगर सही होता तो वो क्यों रोकते? हम अपनी कौन सी चीजें छुपाते हैं जो गलत चीजें होती हैं? बाकी जो हमारे अच्छे काम हो तो बताते हैं ना लोगों को चीख चीख के। मोदी जी को क्लीन चिट मिल गई है तो उसको भारत में बैन नहीं करना चाहिए था, सामान बिल्कुल बैन नहीं करना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए गली गली चौराहे पे LCD लगा के, लोगों को फ्री में दिखाना चाहिए उसको हर जगह। मोदी जी को अपने खर्चे से LCD लगवानी चाहिए हर जगह, और वहाँ पे वो फिल्म दिखानी चाहिए। कश्मीर फाइल्स को कह रहे हैं ना कि हम टैक्स फ्री करेंगे, उसको टैक्स फ्री क्यों किया? अच्छा आप मुझे बताओ, अब बताओ क्यों किया? हाँ नहीं बताओ, मुझे नहीं पता, आप बताइए। टैक्स फ्री इसलिए किया, वो उस फिल्म में साफ साफ दिखाया गया कि देखो बात ये है कि उस फिल्म में दिखाया गया कि हिंदू और मुसलमान जब उस फिल्म को देखेंगे ना तो हिंदुओं को गुस्सा आएगा मुसलमानों में, जो वो बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हुई थिएटर में, लोग खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि मतलब गलत गलत बातें मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पे, ऐसी ऐसी बातें बोली, आप भी जानती हैं क्या क्या बोला। साफ पता लग रहा है कि वो फिल्म एक जहर घोलने का काम कर रही है लोगों के मन में, जो हिंदुस्तान जिस चीज़ से जाना जाता है ना कि हिंदू मुसलमान सब आपस में भाई हैं, उस चीज़ को तोड़ने का काम किया उस फिल्म ने, तो उसको तो नहीं रोका गया कहीं पे। हाँ कश्मीर फाइल्स, और सुनने में आ रहा है कि कश्मीरी पंडितों के दुख को दिखाया है, कश्मीरी पंडित के और भी तो बहुत सारे दुख है। ये जो गोधरा कांड है ये मुसलमानों का दुख दिखा रहा है, तो इसको क्यों छुपा रहे हो आप? इस फाइल को तो बनाने वाला कोई आया नहीं, अगर BBC ने दिखा भी दिया तो अब बैन कर दिया है। बैन क्यों कर दिया? वही तो सवाल उठता है कि बैन क्यों किया जाता है? कुछ त्रुटि रही होगी इसलिए बैन कर। अब वो पता है, साफ सी बात है, उनको अपनी इमेज का डर है मेरी इमेज खराब ना हो जाए, लेकिन देखो जो बात है उनको उनकी इमेज सबको पता है कि क्या इमेज है उनकी, स्टेज पे आके भाइयों बहनों बोल देने से इमेज कुछ नहीं हो जाती, उनकी इमेज सबको पता है क्या है और वो क्या काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो अपने भाषण में कह रहे हैं, अभी तमाम नेताओं को हिदायत दी है कि मुसलमानों के खिलाफ है, जो गलत ना बोले नेता लोग। कौन सा, आप मुझे एक बात बताओ, BJP का कौन सा नेता जो ऐसे नहीं बोलता हूँ मुसलमानों के खिलाफ? कौन सा BJP का नेता नहीं बोलता मुसलमानों के खिलाफ? ये चलता आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी तो बोल रहे हैं, मना कर। प्रधानमंत्री मोदी वही काम करते हैं, सामने से अच्छा पीछे से बुरा वाला काम, ये राजनीति है, आपको पता ही है राजनीति में क्या क्या होता है, ये सब चीजें होती हैं। ये आज मैं पूरा इस पे आर्टिकल अच्छे से पढ़ के आया हूँ, विशेषज्ञों की राय लेकर आया हूँ, और ये ब्रिटेन की एक नीति है और देश की अखंडता और एकता के साथ खिलवाड़ हुआ, तो ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। और आज जामिया प्रशासन जब इस चीज़ को बैन कर दिया है तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि यहाँ पे ये लोग स्क्रीनिंग करें। ये स्टूडेंट है आप?
हाँ हम स्टूडेंट है जामिया के। तो आपको अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, स्टूडेंट है तो? ये हाइप क्रिएट कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को लेके खतरा हो सकता है अंदर जाने के लिए, इसलिए हमें अंदर जाने से मना किया जा रहा है। ऐसे कैद कर दिया गया जैसे कैदी हो, इन्होंने कोई कांड कर दिया। ये लोकतंत्र, ये बिल्कुल एक तरह से कैद नहीं हम कहेंगे, लेकिन ये ऐसा हाइप क्रिएट हुआ है जिससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि ये गलत भी है एक तरह से, बच्चे अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहे हैं। आज जिस प्रकार से हमारी क्लास का रूटीन था वो रूटीन गड़बड़ हुआ, तो ये बहुत गलत चीज़ें हैं, इसके मैं विरोध में हूँ। लेकिन ये भी है कि ये जो ब्रिटेन एक बार हमारा 1947 से पहले फूट डालो राज करो वाला अपना रहा था, वो आज फिर से करना जा रहा है। और एक जिम्मेदार युवा होने के नाते हमें इस बात को समझना होगा, हमें इस बात को पढ़ना होगा, तब तब किसी अंजाम पे आना होगा। हमें नफरत की राजनीति, हमें नफरत। जब CA NRC हुआ था तो उसके उस टाइम भी यहाँ पर तमाम लोग, इतनी भीड़ जुटी हुई थी, इतनी फोर्स छोड़ दी गई थी, उसके बाद से मेरे को लगता है शायद तमाम फोर्स यहाँ पर मौजूद रहती है, पुलिस भी मौजूद रहती है। क्यों? एक यूनिवर्सिटी पढ़ाया जाता है यहाँ पर, एक यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट्स आते हैं, ऐसा क्यों यहाँ पे माहौल बनाया जा रहा है? यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन इतना खराब है कि यूनिवर्सिटी के जब कोई काम होते हैं ना तो उसमें एक एक हफ्ता 10-10 दिन लगा दिया जाता है, लेकिन पुलिस बुलानी होती है तो एक फोन पे पुलिस आ जाती है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो। आप लोग जो है ना, मतलब हुड़दंग मचाते हैं आप लोग, ऐसा बोला जाता है? थोड़ी आते हैं यहाँ पे, हम तो लड़ाई झगड़ा करने आते, नेता बनने आते हैं यहाँ पे। क्या सौहार्द ना भी यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद रहती है? पुलिस फोर्स तो अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे यूनिवर्सिटी के अंदर, हमें ये बताइए। पुलिस फोर्स किसलिए बुलाई है? पत्थर में गैंग बोला जाता है। उधर दिखाओ, देखो क्या हो रहा है, आप सामने देखिए किस तरीके से पुलिस फोर्स भाग रही है और तमाम जो स्टूडेंट है और टीवी मीडिया किस तरीके से भाग रहा है, आप सामने देख सकते हैं। एक छात्र है जो जा रहा था, उसको किस तरीके से दौड़ाया जा रहा है जैसे कोई दोषी हो, जैसे उसी ने कोई अपराध कर दिया हो, आप सामने देख सकते हैं। मैं आपको सीधा दिखा रही हूँ अपने कैमरा से, और ये सामने आप देखिए पुलिस की गाड़ी जो कि डिटेन करती हुई लेके जा रही है। शायद आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टूडेंट्स को जो है लेके जाया जा रहा है। यहाँ पर एक BBC की फाइल जो है स्क्रीनिंग होनी थी 6 बजे, जिसको लगातार रोक दिया गया है, आप सामने देख सकते हैं। ये सामने गाड़ी खड़ी हुई है दिल्ली पुलिस की गाड़ी के, ये देखिए आप देखिए सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी TV मीडिया यहाँ पर मौजूद है और तमाम छात्र जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हमने अब देखिए कि कैसे स्टूडेंट्स को जो है दौड़ाया जा रहा है जैसे उसने किस कोई अपराध कर दिया हो। सामने आपके मैं दिखा रही हूँ कैमरा पे सीधी तस्वीरें, आप देखिए कि किस तरीके से लगातार TV मीडिया भाग रहा है, पूरी पुलिस फोर्स मौजूद है। कैसे उस छात्र को देखिए, वो छोटे से बच्चे को दबोच लिया उस पुलिस वाले ने, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए उस छात्र को कैसे दबा के पकड़ के लेके जाया जा रहा है, आप यहाँ देखिए किस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, किस तरीके का माहौल बना दिया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। सामने देखिए तमाम जो फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है। सरकार से भी पूछे एक पीसफुल स्क्रीनिंग के लिए जो जामिया में रखी गई थी, उसके लिए इस सरकार ने पूरे विश्वविद्यालय को छावनी बना दिया। किस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस वाले उस छात्र को खींच कर ले जा रहे हैं, सफाई का उसके हाथ में बैनर था, और ये देखिए तमाम TV मीडिया कैसे उसके पीछे भाग रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जामिया के ये छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, और पुलिस की गाड़ी मौजूद है। एक एक स्टूडेंट को किस तरीके से घसीट के दबोच के पकड़ के लेके जाया जा रहा है, आप देखिए सामने ही मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ। पुलिस वाले धक्का मुक्की कर रहे हैं और पूरी जो मीडिया अगर हम लोग दिखा भी रहे हैं तो धक्का मारते हुए लेके जा रहे हैं, ये देखिए। सरकार ने विद्यार्थियों के ऊपर जिस तरीके से पूरा का पूरा स्टेट अपैरेटस यूज किया है, उसके खिलाफ ये विरोध लगातार जारी रहेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टूडेंट को पकड़ के उस पुलिस फोर्स डिटेन कर लेती है, और पुलिस किस तरीके से एक एक छात्र को पकड़ रही है, कोई अपनी बात रखता है तो उसको यहाँ पर गुनाहगार बता दिया जाता है। सामने मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये सारी पुलिस फोर्स मौजूद है, पूरी टुकड़ी मौजूद है, आप देख सकते हैं। SFI के स्टूडेंट को किस तरीके से ले जाया गया जैसे उसने कोई अपराध कर दिया गया हो, वो दोषी हो। आप सामने ये तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम TV मीडिया
किस तरीके से दिखा रहा है और तमाम पुलिस फोर्स मौजूद है। एक एक छात्र को उठाया जा रहा है और डिटेन करके भरा जा रहा है गाड़ियों में। सामने ये जामिया मिलिया इस्लामिया का 7 नंबर गेट है, मैं आपको दिखा रही हूँ, तमाम फोर्सेस मौजूद है। तमाम जो छात्र हैं उनको अंदर बंद कर दिया गया है, जो कुछ छात्र बाहर रह गए हैं वो बाहर की तरफ ही छोड़ दिए गए हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जबकि उनके पास आई कार्ड मौजूद है, वो छात्र हैं यहाँ के, उनको पढ़ने का अधिकार है, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सोचिए, उनको आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तमाम टीवी मीडिया किस तरीके से दिखा रहा है आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर फोर्स छोड़ दी गई है। तमाम यहाँ पर जो आप पुलिस फोर्स की गाड़ी देख रहे हैं और एक एक छोटे छोटे बच्चे को कैसे पुलिस दबोच के गला पकड़ रही है, आप देखिए इनका अत्याचार देखिए किस तरीके से कर रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, छात्र हैं और पूरी पुलिस फोर्स मौजूद है। आप देख सकते हैं गेट नंबर 7 जिसके सामने ये पुलिस फोर्स लगी खड़ी है। सामने आप देखिए, आज यहाँ पर स्क्रीनिंग होनी थी बीबीसी की फाइल 6 बजे, उसको ही रोक दिया गया है और उसी के चलते यहाँ पर तमाम फोर्सेस छोड़ दी गई है। अभी स्टूडेंट्स को भगा भगा कर पकड़ा गया है और घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। इस पर मैं बोलने लायक तो कुछ बात नहीं है, जैसा कि आप भी देख रहे हैं, पब्लिक भी देख रही है। अब भी इसमें कुछ बोलने लायक होगा तो शायद शेमलेस वाली बात होगी। गला दबोच के ऐसे पकड़ लिया पुलिस वाले ने, जैसे लग रहा है टेररिस्ट है भाई। हाँ, ऐसे पकड़ा। ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है इस तरीके का? ये माहौल सारा बीसी की तरफ से। स्टूडेंट है जी? स्टूडेंट, हम फ्रेशर हैं यहाँ पे। यहाँ पे लगा नहीं था कि हम यहाँ के स्टूडेंट बनने के बाद ये कुछ देखेंगे, दोबारा से ये सब देखने को पड़ रहा है। 19 वाला सब कुछ सेंट्रल जेल ही लग रहा है, मतलब सेंट्रल जेल ही लग रहा है। हर 15 दिन में पुलिस आ जाती है, कैंटीन वाला के चार्ज। सेंट्रल जेल बना दिया गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल जेल ही बन गया। वो देख लो सामने ऐसे ऐसे बूम लगा रखे है। स्टूडेंट अपनी बात रख रहा था लेकिन उसको इस तरीके से भगाया और पकड़ा गया जैसे उसने कोई अपराध कर दिया गया हो। सब ऐसे ही होगा यही। क्या खान नाम फर्क पड़ता है? खान नाम से आई डोंट नो, नाम से फर्क पड़ता है। यहाँ पे तो लग रहा है ऐसे ही फर्क पड़ता होगा। तो आप देखिए, छात्र हैं जिनको बाहर जो है बाहर जो बाहर थे बाहर ही छोड़ दिया गया, जो अंदर है अंदर ही बंद कर दिया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया, लेकिन उसको सेंट्रल जेल बना दिया गया है। तमाम जो वहाँ पर आप फोर्सेस देख रहे हैं वहाँ पर मौजूद है पुलिस फोर्स, पूरी पुलिस की गाड़ियां मौजूद है, ड्रोन कैमरा तक यहां छोड़ा गया है। वो तस्वीर फुटेज मैं आपको अपने कैमरा पे दिखा दूंगी कि ड्रोन कैमरा भी छोड़ा गया है यहां पर। तमाम जो है पुलिस वाले खड़े हुए हैं, फोर्सेस मौजूद है, स्टूडेंट्स को यहां पर इस तरीके से कैद किया जा रहा है जैसे वो आतंकवादी हो। आपको पता होगा CAA NRC से यहाँ जामिया मिलिया का तमाम स्टूडेंट यहाँ सड़कों पर मौजूद था और अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहा था। उन छात्रों को इतना डिटेन कर लिया गया, आज तक उनके ऊपर UAPA लगाकर अंदर जेलों में भर दिया गया है लेकिन अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया। तब से यहाँ पर पुलिस फोर्स ऐसे मौजूद रहती है जैसे ये आतंकवादी हो। लेकिन आज जो तमाम टीवी मीडिया आप देख रहे हैं ये इसलिए मौजूद है और पुलिस फोर्स इसलिए मौजूद है क्योंकि आज 6 बजे स्क्रीनिंग होनी थी BBC फाइल की। अगर उसमें कुछ गलत नहीं है तो क्यों उसे बैन किया जा रहा है, क्यों प्रधानमंत्री भारत में उसे बैन कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। तमाम टीवी मीडिया यहाँ पर खड़ी हुई है लेकिन आपको वो खबर नहीं दिखाएगी, वो छुपा लेगी। और यहाँ पर जो आप पुलिस को देखा आपने कि किस तरीके से छात्रों को भरा जा रहा है, जानवरों की तरह पकड़ा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बात रख रहे हैं उनको भर लिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली है। अली, यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, क्यों भरा जा रहा है बच्चों, स्टूडेंट्स को गाड़ियों में? बच्चों ने SFI ने ओपन कॉल दिया था मूवी की स्क्रीनिंग के लिए। तो गवर्नमेंट चाहती नहीं है स्क्रीन हो, तो इस वजह से मोदी जी को तो क्लीन चिट मिल गई है, उनको डर किस बात का है? मोदी जी को डर है तभी तो बंद करा रहे हैं बच्चों को। होगी कि नहीं होगी 6 बजे पता नहीं, इसके बारे में मैं कंफर्म कुछ नहीं बता सकता। तो स्टूडेंट्स को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है जैसे आतंकवादी हो, ये तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का ये है, मतलब डिग्रेडेशन है। डर तो उनको स्टूडेंट से ही है। 26 जनवरी है और आज यह माहौल है इस तरीके का है, तो इसीलिए तो उनको डर है ना कि उनके देश का लोकतंत्र जो वो खत्म कर रहे हैं सबको पता ना चल जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बातों को छुपाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है और टीवी मीडिया उस बात को किस तरीके से सामने पेश करती है। तो आप ये स्टूडेंट्स की बात सुन चुके हैं कि कैसे यहाँ पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है,
कि किस बात का डर है, आखिर वो फिल्म स्क्रीन पे आ जाएगी, छात्र देख लेंगे, तो आखिर सरकार को किस बात का डर है, प्रधानमंत्री जी को किस बात का डर है अगर उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। तो आप देख सकते हैं, मैं अभी यहीं पर आपको 7 नंबर गेट की सारी तस्वीरें दिखा रही हूँ। मेरे कैमरामैन से बोलूँगी थोड़ा सा दिखा दे वहाँ पर किस तरीके से माहौल क्रिएट किया गया है। अंदर छात्र बंद है और 7 नंबर गेट है जामिया मिलिया इस्लामिया का। तो ये तमाम पूरी जो खबर है मैं आपको दिखा रही हूँ। उसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं पूजा, जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली।